नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। 1.5 साल की मासूम बच्ची पिछले 11 दिनों से लापता है। उसकी माँ रीवा शहर के हर उस जगह पर पोस्टर लगाकर लड़की को ढूंढने की गुहार लगा रही है, जहां पर भीड़ भाड़ उसको दिखाई देती है। साथ ही बेहद गरीब होने के बाद भी ढूंढ के लाने वाले को 50,000 रुपये उसने देने की बात भी कही है। हम आपको बताएं, पूरा मामला रीवा के सिविल लाइन थाने से जुड़ा हुआ है। यहां पर जयस्तंभ नाम की एक जगह है, उसी के पीछे लड़की का परिवार रहा करता था। मां जब लकड़ी बिनने घर के बाहर गई थी, उसी दौरान लड़की घर से गायब हो गई। 1.5 साल की मासूम बच्ची 1 मई को गायब हुई थी, जो अभी तक नहीं मिली है। रीवा के सिविल लाइन थाने में इस बाबत रिपोर्ट लिखाई गई है। TI रीवा का कहना है कि हम लड़की को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लड़की को नहीं खोज पाए हैं। प्रयास लगातार पुलिस का जारी है। साथ ही वहीं लड़की की माँ ये कह रही है कि मेरी बिटिया को ढूंढ के लाने वाले को हम 50,000 रुपये देंगे, हम उस पैसे का इंतजाम चाहे जैसे करें। एक भावुक अपील उस माँ की, जो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है। हालांकि उसके पास, मैं फिर से आपको बताऊं, हालांकि उसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी ढंग से इंतजाम नहीं है, उसके बावजूद 50,000 रुपये रकम वह ढूंढ के लाने वाले को दे रही है। आइए आपको सीधे सुनाते हैं लड़की की माँ क्या कुछ कह रही है। साथ ही जब हमने सिविल लाइन TI से बात की, तो उन्होंने इस प्रकरण को लेकर क्या कुछ बताया। मेरी बच्ची हो 1 तारीख से गुम गई है, आज 12 तारीख है। ये मुनि प्रसाद शुक्ला के पीछे से सर्विसिंग लाइन जो है, वहाँ से गुम गई है। कुछ नहीं हो, सुनवाई हो रही यहाँ से भी। किसी के ऊपर शंका है? नहीं है। के लिए पोस्टर लगा रही है, 50,000 का इनाम रखा गया। किसके द्वारा ये इनाम रखा गया? अपने द्वारा। बच्ची को जब ढूंढ कर लाएगा उसे 50,000 आप जी। हाँ, कौन से थाने में रिपोर्ट है? यही सिविल लाइन। कहाँ कहाँ पोस्टर आपने लगाया? हाँ, बच्ची लापता हुई थी, नदी के किनारे उसका घर है, और उसका पिता डूबने के पहले दोपहर में उसको नदी के किनारे लेके बैठा हुआ था। इसके बाद छोड़ के ये लोग लकड़ी पे चले गए हैं। इसके बाद बच्ची गुम गई। बच्ची के घूमने की रिपोर्ट पर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध है। बोट से भी आसपास तलाश कराई गई है, और बच्ची अत्यंत छोटी है, 1.5 साल की है, और तलाश लगातार की जा रही है, और मामला भी विचरण है। सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं, कहीं रोड पर बच्ची का आना नहीं पाया गया है, और कई जगह के CCTV कैमरे भी बंद हैं। बाकी रिपोर्ट करने के पहले आसपास के कैमरे परिवारजनों ने खुद देख लिए थे, उनने खुद बताया था कि रोड तरफ नहीं गई है, वो आसपास की भी कैमरे हमने देखे हैं, इसके बाद वो रिपोर्ट करने आए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।